नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और डिस्कस करने वाले हैं कि आगे के बाजार के क्या आउटलुक दिखने वाले हैं, क्योंकि पिछले लगभग 5-6 दिनों से देखेंगे तो कंसेक्यूटिव निफ्टी और बैंक निफ्टी लोअर साइड के ट्रेंड कंटिन्यू चलते हुए दिख रहा है। और आज हमने देखा निफ्टी ने अपने मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो 22,000 के थे उसको भी ब्रेक डाउन करा। आज निफ्टी में 1.5% के आसपास की गिरावट, लगभग 350 पॉइंट्स के, और बैंक निफ्टी में भी 1% के ऊपर के डाउन ट्रेंड दिखे हैं। तो आगे के क्या व्यूज हैं, क्या बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट किया जा सकता है या ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको समझे इससे पहले जो प्रीमियम टेलीग्राम है वो बिल्कुल फ्री है, उसको अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन करें। हमने हमारे आज के व्यू आपसे स्ट्रांगली कहा कि मेरे व्यूज आज के लिए निगेटिव है और वो व्यूज हमारे अकॉर्डिंगली बाजार एक्ट करते दिखा। इसके साथ ही अभी भी अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं और हमारी एनालिसिस आपको बेहतर लगती है, आपको लगता है कि सर के जैसा ही अगर हमारा एनालिसिस होता तो मैं कुछ प्रॉफिट बना पाता, तो आप हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो पहला ऐसा क्लास है जहां 1-to-1 यानी एक बार में आपको अकेले क्लास दिया जाता है और लाइव सपोर्ट होती है, और तब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक आपको सिखाया जाता है, तो आप मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय बाजार में मेजर फॉल के क्या कारण है, ग्लोबल क्यूज जो है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, इवन 2 रेट कट की बात भी आते दिखी थी, जॉबलेस जो नंबर्स रहे थे उसके कारण, लेकिन उसके बाद भी लास्ट वीक हमारा जो वीक्स है वो लगभग 60% और इस वीक देखे तो 10-15% के आसपास बढ़ते हुए दिखा है। टोटल वीक्स जो अप हुआ है वो लगभग 80% के आसपास के अप ट्रेंड पास्ट 10-12 डेज में दिखा है। वीक्स हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था, वीक्स मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स। और इस समय बाजार एक ऐसा मीटर है जो किसी भी इवेंट को पहले ही इवेल्युएट कर लेता है, पहले ही डिस्काउंट कर देता है। तो इस समय जो लोकसभा इलेक्शन है उस इलेक्शन को मद्देनजर बाजार पहले ही डिस्काउंट करते दिख रहा है। यहां दो प्रकार के लोग हैं, दो व्यूज वाले लोग हैं। पहले लोग ये कह रहे हैं कि बाजार ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग था इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आएगी तो बाजार को एक रूम चाहिए एक बड़े अप ट्रेंड के लिए। दूसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि पहले बीजेपी 400+ सीट्स की बात करते थे, इस समय 200 भी मुश्किल लग रहा है, जिसके कारण बाजार डाउन ट्रेंड पे दिख रहा है और एक सेवियर सेलिंग दिख सकती है और बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनते दिखेगी, ये दूसरी खबर है। और लास्ट टाइम हमने देखा था जेफ्रीज के द्वारा कहा गया था कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट खुद को दोबारा नहीं लाती है तो हमारे बाजार में 10% तक के करेक्शन हो सकते हैं। ऑलरेडी अपर प्राइस से 3.7 और 4% के आसपास हम करेक्ट हो चुके हैं, 5-7% और भी पोटेंशियल डाउन ट्रेंड दिख सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे पोजीशन को एक्युमुलेट करें, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर इस समय कॉशन बरतें, क्योंकि इस प्रकार की वॉलेटिलिटी में आपके अप्स एंड डाउन्स यानी कॉल और पुट दोनों के ही एसएल जाएंगे और आप एक मेजर लॉस का शिकार होते दिख सकते हैं। तो 4 जून तक मुझे लगता है कि ऑप्शन को इग्नोर करें। अगर आप गैम्बलिंग थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो 10-12 रुपए के प्रीमियम जो लॉन्ग मंथली एक्सपायरी का दिख रहा है, कॉल पुट दोनों ही ले लें। इस प्रकार के वॉलेटिलिटी में एक डबल और एक 20% माइनस में दिख सकता है, जहां टोटल आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगर कोई स्टॉक 30-40% के अपट्रेंड पे है, आपको लगता है कि मेजर करेक्शन हो सकता है क्योंकि वो 200-300% भाग चुका, तो ऐसे स्टॉक्स के प्रॉफिट बुकिंग करें जिसके नंबर्स भी बेटर आए हैं और थोड़े कंपैरेटिवली बाजार के कंपैरेटिवली लेस करेक्ट हो रहा है, ऐसे स्टॉक में अगेन पोजीशन बनाएं जो नेक्स्ट रैली में एक बड़े ट्रेंड को तैयार होते दिख सकता है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी इस समय वीक है, लॉन्ग ऑप्शन ट्रेड करने से इस समय बचेंगे। अगर निवेशक है तभी स्टॉक को एक्युमुलेट करें, ऑप्शन के अंदर बिल्कुल कॉशन के साथ ही ट्रेड करेंगे। तो आज के गिरावट के भी कुछ बड़े कारण नहीं रहे, वो लोकसभा के इलेक्शन के कारण ही जो है ये करेक्शन दिख रहा है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।